हेलो लर्नर्स वेलकम बैक टू लर्न इंग्लिश बाय तबस्म एंड दिस इज तबस्म हियर सो टुडे इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी विल डिस्कस अ लेटर टू गॉड रिटन बाय जी एल फ्योन्स तो हम देखते हैं अ लेटर टू गॉड की स्टोरी क्या है एंड साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि आखिर लेटर टू गॉड लिखा किसने है बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें बेल बेलाइकॉन को प्रेस करें सो so दैट आपके पास सारी की सारी लेटेस्ट अपडेट्स एंड सिलेबस रिगार्डिंग वीडियो ईजिली पहुँचती रहें एंड हाँ डोंट फर्गेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो ऑल्सो और साथ ही साथ आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी है सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस स्टोरी सो अगर हम बात करें मेन कैरेक्टर की सो लंचो इज़ द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस स्टोरी पूरी कहानी लंचो के गिर्द ही घूमती है एंड लंचो इज अ फार्मर वो एक किसान है ठीक है फर्स्ट ऑफ ऑल सी के लैंचो का घर कहाँ पर है लैंचो का जो घर है वो एक पहाड़ी पर है एक घाटी में है मतलब ठीक है और उसका जो घर है पूरी एंटायर वैली में अकेला ही घर है और लो हिल पर सिचुएटेड है जितनी ऊंचाई पर उसका घर है वहाँ से जो है आ, उसकी आ, उसके खेत खलिहान दिखाई देते हैं वहाँ बहती हुई नदी दिखाई देती है और उसके जो खेत हैं उनमें राइप कॉर्न यानी पकी हुई मकई की फसल लगी हुई है और डॉटेड विद द फ्लावर्स और पूरी फसल पर जो है फ्लावर्स लगे हुए हैं और उस खेत को देखकर मतलब उस फसल को देखकर ऐसा लग रहा है कि काफ़ी अच्छी खासी जो है यहाँ से उसको फसल मिलने वाली है मतलब फसल पूरी तैयार है एंड उसकी जो मतलब उसके जो खेत हैं वो प्रॉमिस कर रहे हैं कि उसको एक अच्छी फसल वो देंगे लेकिन जो इकलौती चीज़ है जिसकी अभी लंचों को उम्मीद है वो है बारिश की लंचों को ही क्या उम्मीद है जो अर्थ है मतलब जो उसके खेत हैं जो वहाँ की धरती है उसको एक बारिश की ज़रूरत है आपको पता है कि अगर अच्छी फसल चाहिए तो उसको बारिश लगती है अच्छी बारिश होनी चाहिए एटलीस्ट कम से कम एक शार मिल जाए थ्रू आउट द मॉर्निंग लंचो हु न्यू हिस फील्ड इंटी हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट आज सुबह से ही जो लंचो है जो अपने खेतों को बहुत अच्छे तरीके से जानता है उसको पता है उसके खेतों को जो है अच्छी बारिश की ज़रूरत है तो मॉर्निंग से ही लगातार लंचों खड़ा होकर के नॉर्थ ईस्ट की तरफ देख रहा था कि काश अच्छी सी बारिश आ जाए नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वोमेन अब देखो लंचो यहाँ पर कहता है कि वोमेन शायद अब हमें कुछ पानी मिलने वाला मिलने वाला है दैट मीन्स कुछ बारिश अब होने वाली है अब ये वुमेन कौन है ये वोमेन है लंचो की वाइफ द वमेन हु वॉज़ प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड यस गॉड विलिंग और ये जो वोमेन है वो खाना बना रही थी और उसने ये जवाब दिया कि काश ऐसा ही हो जाए हमारे खेतों को अच्छी बारिश मिल जाए अगर हम बात करें लंचों के बड़े लड़कों की तो वो खेतों पर काम करने गए थे और जो छोटे वाले थे वो घर के बराबर में ही जो है खेल रहे थे और जब तक वो लेडी जो है उनको खाने के लिए बुलाती है तो वो आ जाते हैं डिनर ठीक है इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज और अभी ये खाने का टाइम ही चल रहा था जैसे ही खाने का टाइम शुरू हुआ था तो लंचो ने प्रिडिक्ट जो है कर ही दिया था कि मतलब काश बारिश शायद बारिश होने वाली है तो सडनली जो है बारिश होनी शुरू हो गई बड़ी बड़ी बारिश की बूंदें गिरने शुरू हो गई इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग और अगर हम बात करें नॉर्थ ईस्ट की तरफ से बड़े बड़े पहाड़ों जैसे माउंटेन्स की तरह जो है बादल आ रहे थे ठीक है क्योंकि बारिश को आपको पता है बादलों की जरूरत होती है बारिश के लिए तो जो बादल थे ना उनकी तुलना यहां पर की गई है माउंटेन से मतलब काफी बड़े बड़े जो है बादल आ रहे थे नॉर्थ ईस्ट की तरफ से और एयर जो थी यानी हवा जो थी बहुत ही फ्रेश थी स्वीट थी अब जैसे ही बारिश पड़ने शुरू हुई तो लेंचो जो है घर के बाहर गया तुरंत कोई और रीज़न तो था नहीं रीज़न यही था कि उसको देखना था कि बारिश कैसी हो रही है उसको जो है अपनी बॉडी पर उस बारिश को फील करना था एंड वेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड और उस बारिश को फील करने के बाद जब वो वापस घर गया तो उसने कहा कि ये खाली ड्रॉप्स नहीं है जो कि आसमान से गिर रही हैं ये तो न्यू कॉइंस हैं अब देखो न्यू कॉइंस क्यों कहता है बिकॉज लंच वॉज़ वेरी हैप्पी कि भाई हाँ उसके खेतों को बारिश मिल गई तो इसलिए वो बारिश को कंपेयर करता है विद न्यू कॉइंस ठीक है और साथ ही साथ वो ये भी कहता है कि जो बिग ड्रॉप्स है ना मतलब जो बड़ी बड़ी बारिश की बूंदें हैं वो टेन सेंट है और जो छोटी छोटी हैं वो फाइव सेंट है है ना तो मतलब वो यहाँ पर सिक्कों से तुलना कर रहा है बारिश की कि बड़ी वाली बारिश की बूंदें तो टेन सेंट है और छोटी वाली फ़ाइव तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बन जाता है इसलिए आप ध्यान से इसको समझना इसके बाद बहुत ही सेटिस्फाइड था लेंचो और अपने जो है पकी हुई फसल को वो देख रहा था उसके फूलों को देख रहा था और बारिश की वजह से पूरे की पूरी जो फसल थी बारिश ने एक कर्टन की तरह मतलब पूरा छा गई थी बारिश उसके खेतों पर पर सडनली क्या हुआ सडनली जो है एक बहुत तेज़ हवा बहने शुरू हो गई और उसके साथ साथ काफ़ी भारी मात्रा में बारिश पड़ने शुरू हो गई और बारिश के साथ साथ हेल स्टोन्स हेल स्टोन्स का मतलब होता है ओले पड़ने शुरू हो गए है ना तो ये तो बहुत ही बुरा होने वाला था शायद कुछ दीज ट्रूली डी रिजेम्बर न्यू सिल्वर कॉइन्स और लग रहा था कि ये जो बड़े बड़े अब ओले पड़ने शुरू हो गए हैं ये तो वाकई में कुछ नए नए सिल्वर कॉइन्स लग रहे हैं तो ये मतलब ओलो को देखकर उसके जो लड़के थे लंचों के वो घर के बाहर दौड़े कि भाई उनको ओलो को कलेक्ट करना था होता है ना कि बच्चों को काफ़ी एक्साइटमेंट हो जाती है जब ओलावृष्टि होती है ओले पड़ते हैं तो ऐसे ही लंचों के लड़के भी दौड़ पड़े ओले कलेक्ट करने के लिए इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन अब लेंचो को पता था कि देखो ओले पड़ने शुरू हो गए हैं तूफान आना शुरू हो गया है दैट मीन्स उसकी फसल के लिए ये अच्छा नहीं है तो उसने कहा कि अब कुछ बुरा होने वाला है और वो कहता है कि मुझे उम्मीद है काश ये सब कुछ जल्दी ही निकल जाए क्योंकि अगर जल्दी ही ओले पडने बंद नहीं हुए तो इससे जो है मेरी फसल ख़राब हो जाएगी लेकिन अगले एक घंटे तक लगातार जो है तेज़ बारिश हुई और बारिश के साथ साथ जो है ओले भी पड़े गार्डन में हिल साइड में कॉर्नफील्ड यानी उस खेतों में है ना पूरी घाटी पर लगातार एक घंटे तक बहुत ज़ोरों शोरों से बारिश भी हुई और ओले भी पड़े द फील्ड वॉज़ वाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट और पूरे खेत ओलों ने इस तरीके से ढक दिए जैसे कि सफ़ेद चादर की नमक बिच मतलब सफ़ेद नमक की चादर बिछ गई हो नोट अ लीफ रिमेन ऑन द ट्रीज मतलब उसके खेतों पर ना एक पत्ता भी नहीं बचा द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड और उसकी जो कॉर्न की फसल थी वो पूरे तरीके से बर्बाद हो गई और जितने भी मतलब लगे हुए थे फ्लावर्स लगे हुए थे प्लांट्स पे वो सब भी गिर गए लंच बहुत ज्यादा दुखी हो गया और जब ये तूफान पास आउट हो गया तो वो अपने खेतों के बीच में जाकर के खड़ा हुआ और वो बहुत ही ज़्यादा दुखी था और उसने अपने बेटों से ये बोला देखो ये रहा लंचो कितना दुखी है बेचारा बहुत दुखी है अपने खेतों के बीच में खड़ा है और देख रहा है दैट सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया है तो ये कहता है अ प्ले टू फ्लॉक्टस वुड हैव वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस देखो प्ले प्ले ऑफ लॉकटर्स का मतलब क्या होता है टिड्डी दल आपने सुना होगा कि टिड्डी का पूरा दल आया और उसने खेतों को बर्बाद कर दिया तो जो अपलेग डॉक्टर्स है वो कहता है कि अगर कोई टिड्डियों का दल भी होता वो भी शायद कुछ छोड़ जाता लेकिन ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा है और इस साल हमारी कोई फसल नहीं बचेगी और वो रात लंचो के लिए बहुत ज़्यादा दुख भरी रात थी वो कहता है कि हमारी सारी मेहनत खराब गई हमारा सारा जो आ, साल था वो खराब जाने वाला है इस साल हमारी कोई भी हेल्प नहीं कर सकता और हम जो है अब भूखे मरने वाले हैं तो क्या वाकई में लंचो की हेल्प करने वाला कोई नहीं था क्या लंचो का परिवार रेल में भूखा मरने वाला था लेट्स सी बट देखो आगे क्या होता है जितने भी उस वैली के लोग थे जो भी वहाँ रह रहे थे और लंच भी था साथ में उन सभी के दिल में कहीं ना कहीं भगवान को लेकर बहुत उम्मीद थी बहुत विश्वास था कि हाँ भगवान सबकी हेल्प करते हैं और डोंट बी सो ऑप इवन दो दिस सीम्स लाइक टू अ टोटल लॉस रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर और सब ये मानते थे कि ऐसा कुछ नहीं है कि अगर सब कुछ ख़त्म हो जाए तो कोई हेल्प नहीं कर सकता या फिर भूख से सब मर जाते हैं और कोई भूख से नहीं मरता उन सबका ये ऐसा कुछ मानना था पूरी रात लेंचो जो है बस यही सोचता रहा क्या करूं लेकिन उसके दिल में कहीं ना कहीं एक उम्मीद थी वो उम्मीद थी द हेल्प ऑफ गॉड की है ना और उसकी आंखों ने खुद सब कुछ ख़राब होते हुए देखा था अपना खेत बर्बाद होते हुए देखा था लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंतरात्मा को पता था कि भगवान उसकी हेल्प करेंगे अब अगर हम लंचो की बात करें बच्चों तो लंचो जो है यहाँ पर लंचो को कंपेयर किया गया है ऑक्स से तो लंचो इतना हार्ड वर्किंग किसान था कि वो बिल्कुल बैल की तरह अपने खेतों में काम करता था जैसे कि बैल बहुत मेहनत करता है ना इसी तरीके से लंचो भी एक जानवर की तरह एक एनिमल की तरह अपने खेतों में मेहनत से काम करता था लेकिन फिर भी उसको लिखना आता था ये उसका प्लस पॉइंट था दैट ही न्यू हाउ टू राइट कि लिखते कैसे हैं अगले रविवार को देखो क्या हुआ दोपहर का टाइम था और लैंचो ने सॉरी मॉर्निंग का टाइम था और लैंचो ने जो है लिखना शुरू कर दिया है ना और उसने एक लेटर लिखा लेटर को लिख करके वो टाउन गया और उसको मेल कर दिया इट वॉज नथिंग देन लेस देन अ लेटर टू गॉड और ये जो उसने लिखा था ये कुछ और नहीं था ये एक लेटर टू गॉड था मतलब लेंचो ने जो लिखने की उसकी कला थी उसको कहाँ पर यूज़ किया उसने अ लेटर टू गॉड ही लिख डाला भगवान को ही चिट्ठी उसने लिख डाली चलो देखते हैं क्या लिखा है लैंचो ने लेटर टू गॉड में

मुझे हंड्रेड पीसोज की ज़रूरत है ताकि मैं अपने खेतों को फिर से बो सकूँ और अगली फसल आने तक मैं अपना काम चला सकूँ अपनी ज़िंदगी को गुजार सकूँ क्योंकि हेल स्टोन ने सब कुछ मतलब उसने सारा कुछ बता दिया हुआ कि भाई हाँ ओलो ने सब कुछ ख़त्म कर दिया है तो बेसिकली ये चीज़ें लिखी लैंजो ने अपने आ टू गॉड में देखते हैं उसको क्या जवाब मिलता है तो उसने लिखा टू गॉड ऑन द एनवेप पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन उसने एनवेप के ऊपर लिख दिया कि ये लेटर मतलब टू गॉड भगवान के लिए है और उसको जो है वो अंदर, अंदर लेटर को अंदर एंड के अंदर डाला और वो टाउन चला गया उसको पोस्ट करने एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेसड स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप इन इट इन टू द मेल बॉक्स पोस्ट ऑफिस गया उस पर एक स्टैंप लगाया और फिर उसको उसने मेल बॉक्स में डाल दिया वन ऑफ़ द एम्प्लॉयज़ हु वॉज पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस वैन टू हिज बॉस लाफिंग हार्डली हार्ड हार्डली एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड अब पोस्ट ऑफिस का एक एम्प्लॉय था हु वॉज़ अ पोस्टमैन जो कि पोस्टमैन था और उसने क्या किया उस लेटर को लेकर अपने बॉस के पास गया और अपने बॉस को दिखाया और जोर जोर से हंसा कि देखो बॉस लेटर टू गॉड आया है भगवान के लिए किसी ने लेटर लिखा है अपने करियर में पोस्टमैन ने कभी भी इस तरीके का कोई लेटर नहीं देखा था जो किसी ने भगवान को लिखा हो पोस्ट मास्टर की बात करें तो पोस्ट मास्टर एक फैट एमिबल फैट का मतलब होता है मोटा एमिबल का मतलब होता है हसमुख सा व्यक्ति था और ऑल्सो ब्रोकआउट अ लाफिंग और उसको भी हंसी आ गई इस लेटर को देख के बट इमीडिएटली वो थोड़ा सा ना एकदम अपसेट हो गया और सीरियस हो गया है ना टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कॉमेंटेड और उस लेटर को अपने डेस्क पर टैप करके वो बोला वॉट फेथ कितना भरोसा है इस इंसान को आई विश आई हैड द फेथ ऑफ दिस दिस मैन हु लेटर कि काश मुझे भी भगवान में उतना ही भरोसा होता जितना कि इस बंदे को है जितने भगवान को ही लेटर लिख डाला मतलब पहले तो वो हंसा लेकिन बाद में ना वो सीरियस हो गया कि भाई इस इंसान को कितना भरोसा है लंचो लंच कितना यकीन है भगवान में कि उसने लेटर टू गॉड ही लिख दिया स्टार्टिंग अपरिस्पोंडेंस विद गॉड के उसने भगवान के साथ ही पत्राचार शुरू कर दिया मतलब पत्र लिखना शुरू कर दिया सो इन ऑर्डर नोट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया तो इसलिए पोस्ट मास्टर ने एक आइडिया निकाला कि मैं क्या कोशिश करूंगा मैं ये कोशिश करूंगा कि लंचों का जो भरोसा है भगवान को लेकर के वो बना रहे तो इसलिए उसने एक आइडिया निकाला उसने सोचा कि क्यों ना मैं ही जो है इस लेटर का आंसर दे देता हूँ बट वैन ही ओपन डिट इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीड इट समथिंग मोर देन गुड विल लेकिन जब उसने इस लेटर को पढ़ा तो उसको पता चला कि खाली आंसर देने से बात नहीं बनेगी आंसर के अलावा भी कुछ चाहिए है ना वो क्या चाहिए था वो थे हंड्रेड पीस जो कि लंचों ने मांगे थे कि मुझे हंड्रेड पीस चाहिए चलिए देखते हैं हम ये क्या करता है है ना तो गुडविल इंक और पेपर के अलावा हंड्रेड पीसेस की जरूरत थी बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन लेकिन पोस्टमैन भी कहीं ना कहीं अपने जो है आ, मतलब वो अपने उस पर था कि भी हाँ मुझे हेल्प करनी ही करनी है चलिए आगे देखते हैं तो उसने आइडिया निकाला है उसने अपने जितने भी एम्प्लॉयज थे उनसे पैसे जो है कलेक्ट किए खुद भी अपने सैलरी का कुछ पार्ट दिया है ना और उसके जो सावरल फ्रेंड्स थे उनसे भी उसने जो है कुछ कुछ जो है चैरिटी के नाम पर पैसे लिए ताकि वो लंचों की हेल्प करें फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी मतलब चैरिटी के नाम पर कि भाई हम कुछ दान कर रहे हैं इस तरीके से उसने पैसे लिए इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टूगैदर द हंड्रेड पीसोज सो ही वॉज़ एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटल मोर देन हाफ तो लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें तो इनके लिए लेकिन पोस्ट मास्टर के लिए हंड्रेड पीस कलेक्ट करना इतना आसान नहीं था इसलिए वो आधे से थोड़े ज़्यादा पैसे ही कलेक्ट कर पाया आधे से ज़्यादा मतलब फिफ्टी प्लस फिफ्टी प्लस उसने इकट्ठे किए और बस उसी को जो है उसने कलेक्ट करके दे दिए लेंचो को उसने एनवलप में जो है उनको पैसों को डाला और एड्रेस कर दिया लेंचो को और विद इट अ लेटर कॉन्टेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर गॉड और उस एनवलप के ऊपर लिख दिया गॉड मतलब गॉड ने तुम्हें पैसे भेजे हैं द फॉलोइंग संडे लेंचो केम बिट अर्लियर देन यूज टू आस्क इफ देर वॉज अ लेटर फॉर हिम अगले संडे को लेंचो थोड़ा जल्दी आ गया और उसको ये देखना था कि उसके लिए कोई लेटर आया है या नहीं है ना तो पोस्टमैन ने खुद ही जो है लंचो को लेटर हैंड ओवर किया और जबकि पोस्टमास्टर अंदर बैठा हुआ देख रहा था कि भाई मैंने कुछ अच्छा काम किया है मैंने लेंचो की हेल्प किया तो उसको खुद देखना था कि लेंचो का क्या रिएक्शन रहने वाला है तो पोस्टमास्टर जो है अंदर से बैठ करके देख रहा था अपने ऑफिस से बैठ के लंचो शोर नोट दा स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग दी मनी लेकिन लंचो बिल्कुल सरप्राइज नहीं था जब उसने वो आ, मतलब एनवलप लिया जिस पर गॉड लिखा हुआ था उसको ये सरप्राइज़ नहीं हुआ कि भाई हाँ गॉड ने मुझे आ, मतलब लेटर भेजा है बल्कि वो तो कॉन्फिडेंस था बट ही बीकेम एंग्री वन ही काउंटेड द मनी तो सरप्राइज़ तो हुआ नहीं बल्कि जब उसने पैसे काउंट किए तो वो गुस्सा हो गया गॉट कुड नोट हैव मेर अस्टेक नॉट कुड ही हैव डिनाइड लेंचो वॉट ही हैड रिक्वेस्टेड गोड इस तरीके की गलती नहीं कर सकते है ना मैंने आ, मतलब गोड से रिक्वेस्ट की थी तो गोड ने मेरी रिक्वेस्ट को कैसे डिनाई कर दिया इमिडिएटली वेंट अप टू विंडो टू तो आस्क फॉर पेपर एंड इंक अब देखो लंचो को गुस्सा आ गया जब उसने पैसे किए मतलब गिने तो उसने सोचा कि गोड ऐसी गलती कैसे कर सकते हैं मैंने तो हंड्रेड पीसेस मांगे थे तो गुस्से में लंचो जो है आ, विंडो की तरफ गया उसने पेपर और इंक मांगा और पब्लिक राइट राइटिंग टेबल पर उसने जो है लिखना शुरू कर दिया और जब वो लिख रहा था ना तो उसके ब्रोज में काफ़ी रिंकल पड़े हुए थे होता है ना गुस्से में मतलब हमारी जो आईब्रोज हम सिकोड़ लेते हैं कोस्ट बाय द एफर्ट ही हैड टू हिज आइडिया और शायद ना इसलिए रिंकल पड़े हुए थे उसके आई में क्योंकि उसको जो वो बता रहा था वो एफर्ट डाल रहा था बिल्कुल कि हाँ गुस्से में कुछ लिख रहा था वो वैन ही फिनिश्ड ही वैन टू दिनो टू बाय स्टैम्प विच ही लिक्ड एंड देन अफिक्सड और जब उसने लिखना ख़त्म कर दिया तो वो विंडो की तरफ गया उसने एक स्टैम्प लिया और जिसको उसने लिख करके अफिक्स कर दिया ठीक है देखो ये रहा लंच यहाँ पर यह दे रहा है इस लेटर को तो बस देखते हैं कैसी लग रही कहानी आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना तो एनवलप विद अ ब्लो ऑफिस फिस्ड मतलब उसने ऐसे थूक लगा के अपना मुट्ठी मारी उस एनवलप पर स्टैंप पर मतलब और उसको वहाँ पर फिक्स कर दिया द मोमेंट दैटर फेल इन टू दॉक्स द पोस्ट मास्टर वन टू ओपन इट और जैसे ही लेंचो ने उसको मेल uh, बॉक्स में डाला पोस्ट मास्टर तुरंत आया और उसने आकर के उस लेटर को ओपन कर दिया इट्स अब देखो उस लेटर में क्या लिखा हुआ था यह हम देखते हैं मजा आएगा यहां से ये जान की गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्ट फॉर ओनली सेवेंटी पीसो डीज में कि गॉड देखो लंचो ने ये लिखा था उस लेटर में जो अब इसने लेटर लिखा था कि गॉड मैंने आपसे कुछ पैसे मांगे थे लेकिन जितने पैसे मांगे थे उसमें केवल सेवनटी पीसोज ही मेरे पास पहुँचे हैं सेंड मी द रेस्ट बचे हुए पैसे मेरे पास भेज देना सिंस आई नीड इट वेरी मच क्योंकि मुझे इनकी बहुत ज़रूरत है बट डोंट सेंड इट टू दी मी थ्रू दी मेल बट अगली बार से ना मेरे पास मेल के थ्रू ही पैसे मत भेजना बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रूक्स क्योंकि यहाँ पर जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉज हैं वो ऑफ़ क्रुक्स हैं लंचो तो बंच ऑफ क्रुक्स का मतलब देखो यहाँ पर क्या होता है बंच ऑफ होता है ठग थग, ठगों ठगों का समूह या की टोली तो लंचो डायरेक्टली बोल रहा है गॉड से कि मैंने आपसे हंड्रेड पीसोज मांगे थे लेकिन मुझे 70 ही मिले हैं तो आगे बचे हुए पैसे तो भेज देना बट आगे से यहां मेल मत करना क्योंकि यहां तो ठग बैठे हुए हैं क्योंकि हो सकता है आपने पूरे पैसे भेजे हों और इन्होंने बचा लिए हो सो विद हमारा लेटर होता है फिनिश आपको ये कहानी कैसी लगी है ये मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना एंड आप जो है अगर पोस्ट की जगह होते तो आप मुझे बताना कि क्या वाकई में आप बचे हुए पैसे लंचों को भेजते हैं नहीं है ना एंड हाउ डू यू हाउ डिड यू फील तो कमेंट सेक्शन में बताना वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर्स सिलेबस नहीं देखा है तो सिलेबस की वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी चलिए डू लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब सी यू न नेक्स्ट वीडियो टू दे लर्नर एंड लर्न इंग्लिश थैंक यू एंड गुड बाय